तबरेज अंसारी हत्याकांड में किरकिरी होने के बाद झारखंड पुलिस ने यू टर्न ले लिया है। मॉब लिंचिंग के इस बहुचर्चित मामले में अब सभी मुलजिमों पर हत्या का मुकदमा चलेगा। तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग केस में झारखंड पुलिस ने यू टर्न ले लिया है। अदालत में दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट में झारखंड पुलिस ने सभी 11 मुलजिमों पर हत्या का मुकदमा चलाए जाने की अपील की है। झारखंड पुलिस ने कहा कि पिछली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तबरेज अंसारी के हार्ट अटैक की वजह साफ नहीं हो पाई थी, जिसके बाद MGM मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञों से मौत की वजह जानने की मांग की गई थी। अपनी रिपोर्ट में MGM मेडिकल कॉलेज के बोर्ड ने कहा, पिटाई की वजह से हड्डियां टूटी और गंभीर चोटें आईं। इसका असर नाजुक अंगों पर हुआ और हार्ट अटैक हुआ। झारखंड पुलिस ने तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग के वायरल वीडियो की भी जांच कराई और उसे भी सच पाया। झारखंड पुलिस ने कहा कि नई मेडिकल रिपोर्ट और वायरल वीडियो की सच्चाई के बाद मुलजिमों पर हत्या का मुकदमा चलाए जाने की अपील की गई है। CPM नेता सुभाषनी अली ने इसे उन लोगों के लिए बड़ी जीत बताया है जो मॉब लिंचिंग के मामले में सही जांच के लिए लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस फैसले से मॉब लिंचिंग के अन्य मामलों में भी इंसाफ की उम्मीद जगी है। ये एक बहुत बड़ी जीत है उन लोगों के लिए जो लगातार ऐसे मामलों में विरोध प्रकट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि न्याय होना चाहिए। अभी हमने देखा कि और भी मामलों में अन्याय हुआ है, लेकिन कुछ कोशिश हो रही है कि उसको सुधारें लोगों के दबाव की वजह से। इस मामले में सबसे पहले तो जो वहाँ के सरकारी डॉक्टर हैं उनको हम बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई और कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि इसके ऊपर बर्बर हमला नहीं हुआ, हमला भी हुआ है। तो उसकी वजह से, प्रेशर की वजह से, मीडिया की भूमिका की वजह से, लेफ्ट की वजह से सरकार को अपना मतलब स्टैंड बदलना पड़ा और अब एक बार फिर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। हमें उम्मीद है कि सख्त से सख्त सजा उनको पर सुनाई जाएगी और जो और तमाम ऐसे मामले हैं उनमें भी न्याय होगा। तबरेज अंसारी की तरह राजस्थान के पहलू खान हत्याकांड में भी पुलिस की जांच पर सवालिया निशान लगे थे और तमाम दबाव के बाद अब इस मामले में भी नए सिरे से जांच शुरू हो गई है। शाहनवाज मलिक, गो न्यूज़।